दोस्तों मैं विशाल प्रजापत स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल सपोर्ट विशाल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Honor 7C का। जैसा कि आप देख सकते हो Honor 7C, तो दोस्तों चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हो Honor 7C की इसमें आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है और अभी मैं यहाँ से इस फ़ोन को ओपन निकाल लेता हूँ और इसके साथ हमें क्या क्या मिल रहा है आज मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है, तो इसके साथ दोस्तों आपको चार्जर मिल जाएगा। चार्जर मेरा मैंने निकाल लिया है और आपको चार्जर मिलने के साथ साथ इसके साथ एयरफोन्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और अब देख लेते हैं हम हमारा फाइनली बॉक्स Honor 7C। तो आप देख सकते हो Honor 7C काफ़ी अच्छा इसका लुक जो हमें देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी इसकी स्क्रीन जो आपको दिख जाएगी। स्क्रीन दिखने के साथ साथ आपको जो मॉडल है वो भी काफ़ी अच्छा दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप। और इसमें ड्यूअल मेगापिक्सल का जो एक कैमरा लगा हुआ है, 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है। तो ये 12-12 मेगापिक्सल दोनों एक साथ कैप्चर करते हैं फ़ोटो को, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी इसकी जो आपको देखने को मिल जाती है। और क्वालिटी देखने के साथ साथ इसकी जो है मेटलिक बॉडी काफ़ी अच्छी है। ये जो आप बॉडी देख रहे हो इसकी काफ़ी अच्छी बॉडी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और एक मेटलिक कलर है, काफ़ी अच्छा इसका जो है कलर है, वेट वगैरह सब कुछ इसमें आपको अच्छा जो मिल जाता है। तो चलिए इसे ओपन कर, तो इसे ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हो आप Honor 7C ऑन हो चुका है मोबाइल। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक काफ़ी अच्छा लुक इसका मोबाइल का देखने को मिल जाता है, आईफोन लुकिंग इसको आपको देखने को मिल जाएगी Honor 7C में। और एक MI का भी आता है दोस्तों, MI M1, उसकी भी लुकिंग सेम टू सेम इसकी जैसे ही आपको मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी लुकिंग एक सस्ते बजट में आपको मोबाइल में मिल जाएगी। तो चलिए बॉक्स मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर जो वॉइस वगैरह को काम करता है। तो आप देख सकते हो वॉइस स्पीकर और म्यूज़िक सिस्टम इसका सब कुछ नीचे दिया गया है। कंपनी ने इसका जो है आईफोन लुकिंग में इसका जो है स्पीकर वगैरह नीचे दिया गया है, ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका है दोस्तों। ओपन होने के बाद इसको मैंने पहले भी अपना ओपन कर लिया है और ये मेरे भाई का है फ़ोन। तो दोस्तों देख सकते हो आप ये Honor 7C में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसकी डिस्प्ले वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ कितने इंच की इसकी डिस्प्ले है। तो जैसा कि सेटिंग की मैं बात करूँ, तो सेटिंग में जाने के बाद अगर मैं बात करूँ सेटिंग की, तो चलिए सेटिंग में जाने के बाद इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। सिस्टम में जाने के बाद देख सकते हो आप अबाउट फ़ोन में, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद दोस्तों ये प्रोसेसर होता है EMI UI। तो Honor 7C डिवाइस का नाम है, मॉडल इसका है LND AL330। बिल्ड नंबर आप देख सकते हो EMI वर्ज़न 8.0 वर्ज़न है दोस्तों इसका, और एंड्रॉयड वर्ज़न भी 8.0 है, जो काफ़ी प्रोसेसर में बेस्ट है। और न तो ये हैंग होता है ज़्यादा और न ही इसमें जो है एप्स वगैरह को इंस्टॉल करने में कोई परेशानी होती है। तो EMI देने के बाद CPU आप देख सकते हो Qualcomm Snapdragon 450 का जो है CPU है इसमें, और RAM 3GB है और फ़ोन स्टोरेज 32GB है। तो दोस्तों इसमें आप 4GB RAM वाली और 64GB वाली ROM वाली भी इंटरनल मोबाइल ले सकते हो। इसमें बड़ा मोबाइल भी आता है जिसमें 4GB और 64GB आपको इंटरनल मेमोरी दिख जाती है, मिल जाती है। मिलने के बाद आपको देख सकते हो आप स्टेटस वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, और प्रोसेसर इसमें प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है। तो फटाफट जो आपको पेज है वो फटाफट खुल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और प्रोसेसर में आपको दिखा देता हूँ कहाँ से, ये जो बैक
बैक सेंसर, इसका जो ये बैक सेंसर दिख रहा है आपको, इसी से ये जो है कंट्रोल हो जाता है। तो देख सकते हो आप, इसी से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, साइड से ही ये कैद फ़ोटो वगैरह इसको दिखा देता है। फ़ोटोज़ वगैरह दिखाने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ इसका और क्या क्या फीचर्स आपके देखने को मिल रहे हैं। इसमें कितने इंच की डिस्प्ले है और कितने इंच का माइक्रो स्कोप है वगैरह, सब कुछ आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो एंड्रॉयड वर्जन OS 8.0 EMI UI है, आप देख सकते हो EMI UI इसका जो है वर्ज़न है। और वर्ज़न के साथ साथ इसमें 5.2 सेंटीमीटर की HD डिस्प्ले है। जैसा कि आप ये डिस्प्ले देख सकते हो, ये 5.2 सेंटीमीटर की इसमें इसमें डिस्प्ले है, 5.2 सेंटीमीटर की इसकी डिस्प्ले है। और डिस्प्ले के साथ साथ दोस्तों 4GB रियर LTD वोल्टी सपोर्टेड है, ये दोस्तों वोल्टी सपोर्टेड है। और ये 5G फ़ोन है, 5G फ़ोन के साथ साथ ये फिंगरप्रिंट भी है। और इसमें 3000 mAh की बैटरी है टाइप वाली, जो ली पॉलीमर है, जो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करती है। ली पॉलीमर के साथ साथ इसमें आपको और भी फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें गैलरी तो गैलरी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ ये फिक्स, जो मैं पीछे से ही इसको कंट्रोल कर लेता हूँ। ये फिंगरप्रिंट है, ये इससे साइड में भी आपको जो इमेज देखने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हो बिना हाथ लगाए मैं इसको इमेज को निकाल लेता हूँ, और इधर भी कर सकता हूँ। तो इमेज वगैरह काफ़ी अच्छी इसमें इमेज क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। इमेज क्वालिटी की देखने के साथ साथ आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। और बैक करने के बाद इसमें एक रिसाइकल बिन भी है, जो आपको किसी भी फ़ोटो को डिलीट करने पर रिसाइकल बिन देखने को मिल जाती है। तो उसमें आप फ़ोटो सेव कर सकते हो, और फ़ोटो सेव करने के बाद उसको कभी भी आप निकाल सकते हो। तो रिसाइकल बिन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर रिसाइकल बिन, यहाँ पर देख सकते हो रिसाइकल बिन, जितने भी आपके फ़ोटोज़ डिलीट हुए हैं इसको यहाँ से आप निकाल सकते हो। और निकालने के बाद इसमें वापस आप यूज़ ले सकते हो। यूज़ लेने के बाद आपको कैमरा वगैरह क्वालिटी इसकी दिखा देता हूँ मैं, आपकी कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आप देख सकते हो कैमरा क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है। और HDR वगैरह सब कुछ सिस्टम इसमें दिया है। ये देखो आप, HDR मोड ऑन हो चुका है। तो HDR आप देख सकते हो, जैसा कि HDR मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोटो में। तो आप देख सकते हो HDR वगैरह, ब्यूटी वगैरह सब कुछ इस फ़ोन में दिया गया है। और कम बजट में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कम बजट में काफ़ी अच्छा फ़ोन दोस्तों देखने को मिल जाता है आपको, जो 10 से 12 हज़ार के रुपए के बीच में भी आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वीडियो कॉलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ एक बेस्ट फ़ोन जो इसकी देखने को मिल जाती है। और इसका कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है मोबाइल का। तो दोस्तों होनर 7C एक आपके बजट में 10 से 12 हज़ार के फ़ोन के बीच में होनर 7C एक काफ़ी अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। और देखने के साथ साथ इसका लुक भी काफ़ी जो है आईफोन लुक टाइप में इसका कंपनी ने दिया हुआ है। और आईफोन लुक के साथ साथ आप जैसा कि इसको देख सकते हो, कितना अच्छा फ़ोन आपको देखने को ये मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको होनर 7C की अनबॉक्सिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपकी हर कमेंट का जो है वीडियो का हर कमेंट का जो रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा, टेक्निकल सपोर्ट विशाल, थैंक यू फ्रेंड्स। और वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, इसी तरह आपका प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।